और क्या माँ को स्वागत करती हूँ आपका अपने एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो में। अभी हमारा शाम का टाइम हो रहा है और अचानक से हमारा प्लान बना है दुर्गा पूजा जाने का। अचानक से नहीं, वैसे जाना तो था ही, क्योंकि 3 दिन के लिए सिर्फ दुर्गा पूजा लगती है, छठी सप्तमी अष्टमी लगती है ना, हाँ, और नवमी 4 दिन लगती है एक्चुअली। तो बस आज हम लोग रेडी हो गए हैं, फटाफट से निकलते हैं। भैया गाड़ी निकाल रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे धीरे बोल रही हूँ। चलिए फटाफट से हम निकलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं हमारे तरफ की दुर्गा पूजा कैसे लगती है। और ये वाली मैंने ड्रेस कैरी की है जिसमें सब ने कहा था कि दीदी आप ये वाली ड्रेस पहन के वीडियो बनाइए, तो आज मैंने यही कैरी की है। लेकिन इस समय शाम का टाइम है, देखते हैं कितनी क्लियर वीडियो आती है। एक्चुअली पहले तो हमने सोचा था कि हम दोपहर में जाएंगे, लेकिन हमारा शाम का प्लान इसलिए बना क्योंकि शाम के टाइम रोशनी वगैरह जो लाइटिंग होती है वो वहाँ दुर्गा पूजा की मेन होती है, तो इसीलिए हमारा शाम का प्रोग्राम बना है। और आज एक्चुअली मैंने जब वीडियो में ये चीज़ देखा कि मेरे पैर इसमें बहुत ज़्यादा वैसे लग रहे थे, क्योंकि मेरी जो लेगी वगैरह है, एक्चुअली बहुत से लोग ये डिमांड करते हैं आप इस तरह की ड्रेस में बनाइए, लेकिन जब मैं पहनती हूँ तो मुझे बहुत अटपटा लगता है, इसीलिए मेरा मन नहीं करता है इस तरह की ड्रेस बिल्कुल भी पहनने का। और सच बताऊँ तो इस तरह की जो लेगी हैं वो मेरे पास बहुत ज़्यादा है नहीं, 1 से 2 ही है मैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं पहनती, क्योंकि मुझे पता है मेरे पैरों का फोल्ड इसमें साफ पता चलता है, जो कि मुझे देखने में बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। और वो जो लेगी हैं वो ज़्यादातर मैं लॉन्ग सूट पे कैरी करती हूँ, क्योंकि उससे जो कहते हैं ना पैरों का टेढ़ापन है वो पूरी तरह से छुप जाता है। और कहते हैं कि जो भी मैं नई ड्रेस इस समय ले रही हूँ फिलहाल, तो उसमें मैं ज़्यादातर लॉन्ग ही सूट लेती हूँ, इसके अलावा जो लेगी वगैरह है वो मैं नहीं लेती हूँ, या तो प्लाजो लेती हूँ, या जो आपने भी देखा होगा मेरे वीडियो में आजकल क्या हमेशा से ही ढीले ढाले जो कपड़े होते हैं उस तरह का मैं लेती हूँ। लेगी वगैरह मेरे पास बहुत ही कम है क्योंकि मैं उसको यूज़ ही नहीं करती, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। लेकिन हाँ, कई लोगों ने मुझे बोला था दीदी आप इस सूट में वीडियो बनाइएगा, तो इसके साथ मेरे पास लेगी अवेलेबल थी तो फिलहाल मैंने उसी को लिया था। और यहाँ से हम अपने मोहल्ले से फिलहाल निकल चुके हैं और हमारे घर से दुर्गा पूजा लगभग 15 से 20 मिनट की दूरी पे है। और हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ की सबसे खास बात यह है कि वहाँ का पंडाल जो है वो इतना सुंदर लगता है, इतना ज़्यादा सुंदर लगता है कि बस ये लगता है कि बस यहीं पे बैठे रहें, यहाँ से बिल्कुल भी बाहर ना जाएं, बहुत ही प्यारा लगता है। हालाँकि यहाँ पर आके मुझे जो चीज़ कहते ना सामना करना पड़ा, जो मैं नहीं चाहती थी, एक्चुअली मैंने सोचा था मैं और कहीं जा पाऊँ ना जा पाऊँ, लेकिन यहाँ पर मैं ज़रूर जा पाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर मैं अभी तक तो जितनी बार भी दुर्गा पूजा में आई हूँ मैं हर बार गई हूँ, लेकिन यहाँ पर होता है कुछ उल्टा। एक्चुअली जब मैं यहाँ पर आई और जब गाड़ी से मैंने निकल के देखा तो वहाँ पर उसका जो प्लेटफॉर्म था जहाँ से हमें एंट्री करनी होती है वो इतना ज़्यादा ऊँचा था कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे जाऊँ। तो मैंने यहाँ पर रचित को ही अपना फ़ोन दे के भेज दिया वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे इतना समझ में आ गया था कि मैं नहीं जा पाऊँगी। थोड़ी दूर चल के मतलब जो मेन डोर था वहाँ तक मैं गई, उसके बाद मैं वहाँ से बैक हो गई, क्योंकि मुझे पता था एक्चुअली अगर प्लेन होता स्टेप बाय स्टेप होता तो भी मैं आराम से चली जाती, क्योंकि मैं नॉर्मली घर पे भी स्टेप बाय स्टेप छत पे भी जाती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन वो राउंड शेप में था, इसके अलावा एक स्टेप था राउंड के ऊपर, एक स्टेप था जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं था बिल्कुल भी चढ़ना। और इस जगह पर सच बताऊँ मतलब यहाँ का पंडाल देखिए आप, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, यहाँ के आके बस ये लगता है यहाँ थोड़ी देर बैठ लीजिए। और शाम का टाइम था, रोशनी वगैरह इतनी ज़्यादा अच्छी थी, लाइटिंग अच्छी थी। फिलहाल तो मैंने आज के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर मैं दर्शन के लिए नहीं आ पाऊँगी, और बाद में मुझे बहुत खल रहा था, मैं यही सोच रही थी कि मैं किस तरह से देखूँगी। हालांकि वीडियो में जैसे आप यहाँ पर मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसी वीडियो में भी मैंने ऐसे ही दर्शन किए हैं, क्योंकि मेरे लिए भी यहाँ पर जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। हालांकि मन तो बहुत करता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुझे अगर खला तो ये चीज़ कि इस जगह पे एक्चुअली जैसे हमारा दुर्गा पूजा पंडाल लगता है या कोई भी चीज़ होती है तो यहाँ पर कम से कम 2 व्हील चेयर ज़रूर होनी चाहिए, जैसे हम जैसे लोग हों हैंडीकैप लोग तो उनके लिए यहाँ पर व्हील चेयर ज़रूर अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो लोग इतना चल पाएँ जैसे मैं हूँ, मुझे चलने में काफ़ी दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ तक इतनी दूर तक फिलहाल मैं आ जाती, थोड़ा रुक के आती, मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है, मैं आती ज़रूर, लेकिन जिस तरह से वहाँ बाहर बना हुआ था मैंने बिल्कुल भी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि मुझे आज यहाँ पर दर्शन नहीं होंगे। और इसके बाद मम्मी लोग निकल रही हैं, क्योंकि रचित से मैंने कहा था रचित वहाँ की पूरी रिकॉर्डिंग करना, क्योंकि मुझे पूरा देखना था कि वो किस तरह से मतलब डेकोरेशन है, किस तरह से पंडाल बना है, किस तरह से माता रानी हमारी विराजमान है, सब चीज़ें मैंने बोला था। तो रचित ने मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल वैसे ही रिकॉर्डिंग की है। और यहाँ पर मैं आपको बचपन की एक बात बताती हूँ कि यहाँ पर एक्चुअली ये जो हमारा
गार्डन है जहाँ पर मैं बचपन में एक बार नहीं हजारों बार आई हुई हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में जैसे कहते हैं ना कि बचपन में होता है जैसे छुट्टियाँ होती गर्मियों की, तो हम भाई बहन और हमारे पड़ोस में भी कुछ लोग थे तो हम लोग साथ में आते थे और यहाँ गार्डन में घंटों बैठते थे। भैया लोग वर्कआउट करते थे, अपना टहलते थे, वॉकिंग वगैरह करते थे और मैं यहाँ पर जो फ्लावर्स वगैरह हैं और जो हमारी हरियाली वगैरह है उनको देख के इंजॉय करती थी, बहुत मज़ा आता था। लेकिन आज का वो दिन है जहाँ पर हम कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं। मुझे मतलब ये है मैं जा नहीं सकती और बहुत खलता है। आज मुझे भी बचपन की वही चीज़ें याद आ रही थी और ये जहाँ जिन्होंने लगवाया है हमारा पंडाल, जहाँ जिन्होंने डेकोरेशन करवाई है वो सब चीज़ें लिखी हुई थी, पूरा बाजार लगा हुआ था। सबसे बड़ी है बालाजी के दर्शन हुए। बालाजी के दर्शन? अरे मतलब बालाजी उनका हनुमान जी को बोलते हैं, हनुमान जी की मूर्ति है सबसे सामने। और आपको यहाँ पर बता दूँ ये हमारे इंडिया का सबसे बड़ा जो कहते हैं ना शिवलिंग, ये हमारे ही कानपुर में है, बहुत सुंदर लगता है। मैंने एक्चुअली पता किया था, एक जगह मैंने पढ़ा था कि सबसे बड़ा जो शिवलिंग है वो यहीं का है, तो बहुत खुशी हुई थी। चलिए हम हमारे घर के कुछ तो पास में हमारे कानपुर में मतलब हमारे एरिया में कुछ चीज़ें हैं। यहाँ वैसे भी वो रखा रहता है और क्या नाम है, लकड़ी लकड़ी पड़ी रहती है। और ये है हमारी दूसरी जगह की दुर्गा पूजा जो कि हमारे शास्त्री नगर में लगती है। ये भी दुर्गा पूजा बहुत सुंदर लगती है, आप यहाँ पर देखिएगा। एक्चुअली सच बताऊँ इस बार मुझे दोनों जगह की डेकोरेशन थोड़ी सी सेम लगी, दोनों के कलर वगैरह सेम थे, डेकोरेशन थोड़ी सी मुझे सेम लगी। अब आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या मेरी तरह आपको भी लगा, क्योंकि आपकी तरह मैंने भी इसको वीडियो में ही देखा है। हालांकि यहाँ की भी डेकोरेशन जो है बहुत सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छी लग रही थी और ये लग रहा था काश मैं यहाँ पर भी जा पाती। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है, यहाँ पर आज तो मुझे फ़िलहाल बांस बल्ली कुछ नहीं दिखाई दिया, लेकिन वो लोग जो चलने वाले स्टेप होते हैं उस जगह पर बांस की थोड़ा मतलब ऊँचाई पर बांस बांध देते हैं ताकि जैसे गाय वगैरह है वो एंट्री ना कर पाए। आज फिलहाल मुझे वो चीज़ तो नहीं दिखाई दी, लेकिन हाँ यहाँ पर भी मैंने एक चीज़ को मिस किया कि यहाँ पर फिलहाल हमारी व्हीलचेयर ज़रूर अवेलेबल होनी चाहिए ताकि हम जैसे लोग यहाँ पर जा सकें, इंजॉय कर सकें। और जो यहाँ पर कहते हैं ना सुंदरता है यहाँ के पंडाल की, यहाँ पर माता रानी की, वो देख सकें। लास्ट टाइम भी यहाँ पर बहुत ही सुंदर दरबार सजा था। एक्चुअली यहाँ पर दो एक मंदिर बना हुआ है जो कि शायद मुझे लगता है दो हैं, वैसे मैं इस मंदिर में कभी नहीं गई हूँ, लेकिन जैसे दुर्गा पूजा में आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब ये पूरी रिकॉर्डिंग आप देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ छोटे छोटे दो मंदिर हैं और उन्हीं के बीच में हमारी माता रानी की स्थापना की जाती है, हर साल यहीं पर होता है। ये देखिए हमारी काली माँ की मूर्ति है छोटी सी और इधर हमारी माता रानी विराजमान है और दूसरी साइड पे आई थिंक हमारे शिव जी हैं जो कि बहुत ही सुंदर हैं। वैसे मैं कभी भी इस छोटे वाले मंदिर में नहीं गई हूँ, हम लोग जब ही जाते हैं जब हमारी ये नवरात्रि शुरू होती है और हमारी माता रानी की स्थापना होती है बस उस टाइम पे आते हैं, वो भी एक ही दिन आ पाते हैं क्योंकि भैया की भी जल्दी छुट्टी नहीं हो पाती जिसकी वजह से थोड़ा सा वो रहता है। लेकिन यहाँ पर भी एक जगह एक्चुअली और था जहाँ पर हम लोग को जाना था पर वहाँ पर हम जा नहीं पाए क्योंकि उसका एक रीज़न था, किसी ने हमको बताया था वहाँ पर अगर कहते हैं आउटर पे अगर गाड़ी खड़ी कर दीजिए तो वहाँ पर गाड़ियों को पंचर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हम लोग नहीं गए। एक्चुअली मैं इसके बाद जहाँ पर जाऊँगी अपनी भतीजी के यहाँ, वहाँ पर उसने मुझे बताया हम लोग को बताया था कि वहाँ पर ऐसा कुछ रूल है और इस समय अंधेरा हो रहा था और ये भी रीज़न था कि वहाँ पर काफ़ी कहते हैं ना सुनसान एरिया में वो इलाका पड़ता है, तो हम लोग को लगा कि हम नेक्स्ट डे देखेंगे अगर जाना हुआ तो। और यहाँ पर मम्मी लोग फ़िलहाल निकल चुकी हैं और मम्मी को थोड़ा सा देखने में दिक्कत होती है, ऊंचा नीचा का जो फ़र्क होता है वो थोड़ा सा उनको समझने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए मम्मी भैया का हाथ पकड़ के ही चल रही थी। और मम्मी ये देखिए हमारी गाड़ी जो है वो सामने है, इससे मैं डोर ओपन करके बस यही देख रही थी कि मम्मी लोग जल्दी आएँ फिर मुझे बताएँ मैं वीडियो देखूँ। हालांकि वीडियो मैंने घर पहुंच के ही देखा था, जब मैं एडिट कर रही थी तभी मैंने देखा है, क्योंकि जब मैं वीडियो देखने में अगर लग जाती तो हमारा जो कहते हैं ना कि वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह वो सब चीज़ें रुक जाती जो कि मुझे घर पहुंचने तक करनी थी। और यहाँ पर फिर हम निकलते हैं और इस समय मेरा मूड सच बताऊँ बहुत ख़राब था क्योंकि मैंने बहुत मन बना लिया था कि मैं कुछ नहीं देख पाऊँगी लेकिन एक दुर्गा पूजा तो ज़रूर जाऊँगी, जो कि मैं शुरुआत में जो मिस कर गई उस जगह के लिए मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि इस बार मैं वहाँ पर भी नहीं जा पाऊँगी। और ऐसे में बहुत खलता है जब आप कहीं के लिए तैयार होकर आते हैं, सोचते हैं कि हाँ यहाँ जाएंगे, जो कि कहते हैं ना पूरा साल में एक ही दिन वो आता है जब आप उसको देख सकते हैं इंजॉय कर सकते हैं और वो भी नहीं कर पाते हैं, तो गुस्सा तो सच में बहुत लगती है। मूड थोड़ा सा ख़राब था तो इसीलिए बस भैया ने कहा हम लोग दूसरी जगह चलते हैं। अब हम जा रहे हैं अपनी भतीजी के यहाँ जहाँ कभी कभी जाते हैं। अब वीडियो में बने रहिएगा, मैंने वहाँ पर कुछ पार्ट ऐसी चीज़ें ऐड की हैं जो कि आई थिंक आप लोग को
देखना अच्छा भी लगता है। और यहाँ पर मैं फिलहाल आ चुकी हूँ, एक्चुअली भाभी के यहाँ कुछ थोड़ा सा सफाई का काम हो रहा है, क्योंकि आपको पता है आने वाले टाइम पे हमारी दिवाली आने वाली है, जिसमें जो पुताई वगैरह होती है, डेंटिंग पेंटिंग, बस वही काम चल रहा था। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर मुझे मना भी किया था कि वो आप रिकॉर्डिंग मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैला रहा था। तो मैंने बोल दिया कि मैं अपने हिसाब से करूँगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करूँगी। और यहाँ पर सब लोग बातें कर रहे हैं, और यहाँ पर पुताई वगैरह जो थी वो सब काम हो चुका है, और हम लोग बस बैठे थे, बातें कर रहे थे। मेरे पीछे बैठी हो तो क्या क्या आएगी नहीं क्या है? यार याला भी खोलना, ये भी ऐसे ही है सेम। एक्चुअली यस जो है वो मेरा सबसे बड़ा भतीजा है, और अक्सर मैं इसी के साथ घूमने के लिए जाती हूँ। जैसे हमारी स्कूटी वगैरह पे मैं जाती हूँ, तो यस के साथ मैंने बहुत सारी जगह घूमी हुई है। इस बार भी हमारा कुछ प्लान था, एक्चुअली कानपुर में एक जगह है ध्रुव टीला, वहाँ पर भी हमने जाने के लिए सोचा था। तो उसमें उसने कहा था अर्ली मॉर्निंग आएगा, यानी कि मॉर्निंग में 4 बजे, जो कि पॉसिबल नहीं था हमारे लिए इतनी जल्दी। उसकी भी नींद नहीं खुल रही थी, मेरा मन तो बहुत था, लेकिन मम्मी को दवा वगैरह के चक्कर में बस हम अभी जा नहीं पाए। लेकिन हाँ, नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर जाएंगे, और मैं पूरी उसकी रिकॉर्डिंग करूँगी, क्योंकि वो जगह इतनी सुंदर है कि मैं आपको बता नहीं सकती। एकदम गंगा जी के किनारे है, और जो मॉर्निंग का वहाँ का व्यू होता है, और किस तरह से मैं जाती हूँ, कैसे करती हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी ज़रूर दिखाने के लिए। हालांकि वो अभी दिल्ली में है, दिल्ली में वो वापस चला गया अब तो, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी आएगा तो मैं उसको ज़रूर दिखाऊँगी। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो भी है आने वाला है, जो कि मैं फिर से कहीं जाने वाली हूँ। तो पूरा वीडियो देखिएगा, मेरे आने वाले वीडियो आपको काफ़ी इन्जॉय करेंगे, काफ़ी अच्छे लगेंगे। फाइनली मैं आ चुकी हूँ घर पे, मम्मी भी आ गई हैं और भैया लोग जाते हैं। और सर बताओ, इस बार बेकार रहा, क्योंकि मैं बिल्कुल भी जान पाई, बहुत बेकार कर दिया था, काफी ऊंचा था ना। आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई? बहुत लंबा था, दूसरी साइड से अगर जाते तो बहुत लंबा हो जाता, उतना मैं चल नहीं पाती, क्योंकि मुझे दिक्कत होती थी। इसलिए मेरे लिए जाना तो बिल्कुल भी इस बार पॉसिबल नहीं था। लेकिन हाँ, जितना भी हुआ मैंने रिकॉर्डिंग जरूर करवा ली है। दूसरी जगह की एक बार जा सकता था, लेकिन भैया ने गाड़ी भी थोड़ी दूर ही खड़ी की थी, तो इतना सड़क पे चलना मेरे लिए पॉसिबल नहीं। फिलहाल हमारा ये है, रिकॉर्डिंग वगैरह सब हो गई है। तो इसी के साथ मैं अपने आज के दुर्गा पूजा के वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक फ्रेंड बाय बाय। और मेरे साथ